नमस्कार, हूँ चिराग। टीवी 9 न्यूज में आपनु स्वागत है। सौथी पहला समाचार सूरत थी, जहां उधना विस्तार में बीआरटीएस बस स्टॉप में आग लागी होवाना समाचार छे। लक्ष्मी नारायण बीआरटीएस बस स्टॉप में आग लागी छे। दक्षेश्वर महादेव मंदिर नजीक आवेला बस स्टॉप में आग लागी गई छे। बीआरटीएस बस स्टॉप ना केबिन में आग लागता नासभाग पण मची हती। मांदरवाजा अने भेस्तान फायर विभाग नो काफलो हाट में घटनास्थले पहुंचो होवाना समाचार छे। तो उधना विस्तार में बीआरटीएस बस स्टेशन जहाँ आग लागी छे, हाल में आग ने कंट्रोल करवानी कामगिरी शुरू कराई छे। वधु बात करवा जोड़ा छे अमारा संवाददाता बळदेव। बळदेव, शुं छे वधु विगतो? जी रीते सूरतना पांडेसरा विस्तारनी जे घटना सामे आवी छे के बीआरटीएस जे बस स्टॉप छे तेनी उपर अचानक ज कोई कारणसर जे आग लागी छे। जोई शकाय छे के उधना आवेल दक्षेश्वर महादेव मंदिर नजीक आवेला लक्ष्मीनारायण बीआरटीएस बस ने स्टॉप उपर अचानक ज शॉर्ट सर्किट थवाना जे कारणे पहेला आग लागी हती अने आग धीरे धीरे आखू जे बस स्टेन्ड ने जे कवर करी लीधुं हतुं अने आखा बस स्टेन्ड जे बीआरटीएस बस स्टेन्ड छे तेनी अंदर आग लागी हती अने आजुबाजुना लोको जे भागदौड़ मची हती। प्राथमिक धोरणे तो आग जे नानी हती ते दरमियान જે આગ ઓલાવવા માટેનો જે પ્રયાસ કર્યો હતો પણ તે પહેલા જ આગે છે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને તાત્કાલિક આજુબાજુના ફાયર વિભાગના જે ડમ્પરો છે તે પહોંચ્યા હતા અને તાત્કાલિક હાલમાં ફાયર વિભાગ દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવીને આગ ઉપર કાબુ મેળવવા માટેનો જે પ્રયાસ ચાલુ છે અને આગ કયા કારણોસર લાગી છે તે બાબતે તપાસનો વિષય છે। જી ધન્યવાદ બળદેવ તમામ જાણકારી બદલ। તો સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં લક્ષ્મીનારાયણ બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ પર આગ લાગી ગઈ છે। હાલમાં આગ બુઝાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। આગનું સાચું કારણ તપાસ પછી સામે આવી શકે તેમ છે।